उन्होंने फैसला दे दिया कि 14 को इलेक्शन होना चाहिए। आज उनके खिलाफ केसेस खोलने के ऊपर पीडीएम पूरी कोशा है। आज उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाने के लिए कोशा है। आज जजिस को उनके एहसासों के ऊपर अटैक है, सिर्फ इस वजह के ऊपर कि इनके खिलाफ फैसला आ गया और आईन की रोशनी में आ गया। और फैसला क्या है? फैसला सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या इसके कारकुनों के हवाले से नहीं है कि आज इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में है तो इलेक्शन होना चाहिए, या आईन की रोशनी में, और आईन कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। मगर आज पाकिस्तान जिस तबाही के दाने पर खड़ा है, सबकी जिम्मेदार सिर्फ एक पीडीएम जिसकी तमाम 13 जमातों का मुरब्बा है। अगर आज हम पाकिस्तानी बहसीत है, पाकिस्तानी बहसीत ये कौम अपने हकूक के लिए, और हक क्या है कि हमें अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए, ये हमारा हक है। अगर हमें हमारे हक के मुताबिक इजाजत नहीं मिलेगी तो पूरे पाकिस्तान का हर चौक हर शहर इसी तरीके रैलियों से बढ़ेगा इमरान खान साहब की आवाज के ऊपर। तो हम लोग आज मीडिया के तवसत से एलियान रावलपिंडी जो आज यहाँ पर यकजा हैं सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि हमारी आला अदलिया फैसला करे, मुल्क के कौम, मुल्क के पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान साहब और सारी पीटीआई आपके साथ इंशाल्लाह शाना पर शाना खड़ी हो।